Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, Amir Ansari, आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर 3 के एक और ऑनसेट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? इस्तांबुल हो गया, अब आए हैं ऑस्ट्रिया। थोड़ी दिमाग की सुइयां जो है उसे पीछे ले जाते हैं। My friends, 2012 में जब इस फिल्म का टाइगर का पहला इंस्टॉलमेंट आया था, एक था टाइगर, तो बहुत सारा हिस्सा इस फिल्म का इस्तांबुल में शूट हुआ। They went back to इस्तांबुल। अब 2022 में जब टाइगर का थर्ड पार्ट आएगा तब हमें इस्तांबुल दिखाया जाएगा। अब थोड़ी सुइयां आगे दौड़ाते हैं। 2017 में टाइगर जिंदा है जब आई थी, इन्सब्रुक ऑस्ट्रिया इतना मशहूर हो गया था। मैंने बहुत पुराना एपिसोड है मेरा, आई थिंक 4 साल पुराना एपिसोड है, जहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को ऑस्ट्रिया किस तरह से अब ये सारे लोकेशंस यहाँ पर टाइगर जिंदा है शूट हुई है उनको उन लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। अब वापस से टाइगर की जो टीम है वो ऑस्ट्रिया गई है। अब क्या सिग्निफिकेंस है इन लोकेशंस पे वापस जाने के लिए? इज इट अ स्टोरी प्लॉट इन द फिल्म? इज इट द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट? सारी चीजें अब इस फिल्म को और इंटरेस्टिंग बना रही है। जब हम फिल्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाई हैव दे रिटर्न टू दिस स्पेसिफिक लोकेशंस टू शूट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। लेकिन आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से अब जो टीम्स है वो साल्ज़बर्ग एंड वियना दोनों जगहों पर डिवाइड हो चुकी है। वहां के लोकेशंस पर कल अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो शूट, पूरा का पूरा टीम जो है उसको ऑफ दिया गया था। आने वाले दिनों में शूट जो है इस फिल्म की वापस से शुरू हो जाएगी। चलिए गाइस, आज के एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। वेल फ्रेंड्स, 2017 में जब टाइगर जिंदा आई थी तो यहाँ पर जो गाना था वो इन्सब्रुक ओल्ड टाउन में, जहां पर गोल्डन रूफ था एंड इंपीरियल पैलेस अलॉन्ग विद द विलेजेस ऑफ प्रैक्समार एंड क्वार्नर्थल वैली, यहाँ पर शूट हुआ था एंड ऑल्सो इन द हॉल इन टिरोल। तो गाइस, यहाँ पर सारे के सारे सीन्स जो है वो ऑस्ट्रिया में शूट हुए थे लास्ट ईयर। अब गाइस हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इन्सब्रुक से साल्ज़बर्ग जो है वो 2 घंटा 10-15 मिनट की दूरी पर है, यानी कि उसी के नजदीक आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा क्रू जो है वो घूमने निकला था एंड वहां पर उन्होंने सारे के सारे पिक्स जो है वो पोस्ट की थी। पहले हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, दिस इज साल्ज़बर्ग, जो बहुत नजदीक है इन्सब्रुक से। एंड साल्ज़बर्ग पे एक लव लॉक ब्रिज है, हर एक क्रू मेंबर एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन कह सकता हूं मैं ये लव लॉक ब्रिज। कल के एपिसोड में भी मैंने इसको इंक्लूड किया था, किस तरह से क्रू वहां पे पहुंचा एंड सीधा लव लॉक ब्रिज चला गया। लव लॉक ब्रिज भी वहां पे देखा गया। कैटरीना कैफ वॉज स्पॉटेड एट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर ओवर देयर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैटरीना कैफ ग्लिम्स ऑफ बाइंग सम ग्रोसरी, पता नहीं क्या खरीद रही थी वो सुपरमार्केट में। यहाँ पर सैर सपाटा करते हुए दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पर। एंड अब गाइज, ये है कुछ पुरानी यादें, दिस इज प्रैक्समल टिरोल, जहां पर सलमान भाई लास्ट टाइम आए थे शूट करने के लिए। दिस इज 13 अप्रैल 2017, दिस इज 18/9/2021, ऑलमोस्ट 4.5 साल पहले सलमान भाई वॉज इन ऑस्ट्रिया। एंड देख सकते हो गाइज, यशराज के मेंबर्स, थैंक यू यशराज फिल्म्स फॉर शूटिंग टाइगर जिंदा है इन माय इन्सब्रुक। सो वापस से द टीम हैज गॉन टू ऑस्ट्रिया। अब गाइज, इन्सब्रुक का समझ में आता है, सलमान भाई का दाढ़ी वाला लुक है वो सेम इस फिल्म में कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अब टाइगर का पहला पार्ट जब आया था, एक था टाइगर, जब फिल्म इस्तांबुल गई थी तब ही हैड अ क्लीन शेवन लुक, लेकिन अब जब इस्तांबुल में शूट किया है तो ही हैज अ बियर्ड। व्हाट्स द कनेक्शन? वापस से लोकेशन में जाने के क्या रीजन है? अब तो स्क्रिप्ट की डिमांड है, हमको तो पता नहीं है। अब गाइज, कुछ और तस्वीर है उस रात की पार्टी की, देख सकते हो गाइज, इनका नाम है F.A. तंकिस, ये भी सलमान भाई के फोटो खिंचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे प्रशांत उनके मैनेजर पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हियर इज द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ साल्ज़बर्ग, बहुत ही बेहतरीन जगह है, काफी ज्यादा रोमांटिक जगह कह सकता हूँ साल्ज़बर्ग इन ऑस्ट्रिया, बहुत बेहतरीन लग रहा है। देख सकते हो गाइज, कल थोड़ा बहुत क्रू जो है स्टिफ्टंग मोजातियम साल्ज़बर्ग यहाँ पर भी घूमने के लिए गया था। एंड दीज इमेजेस एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई मीन इसी के नीचे अगर टाइगर 3 लिख के वायरल पोस्टर छोड़ दिया धमाका हो जाएगा। एंड गाइज, ये जुड़वा भाई हमने बहुत एक हफ्ते पहले जो इस्तांबुल का चेस सीक्वेंस था वहां पे देखे थे, इनका नाम है रेड मेहर ब्रदर्स तुर्की। यहाँ पर वही पुलिस कॉस्ट्यूम पहना है, बीच में टाइगर हिमसेल्फ इज स्टैंडिंग। उन्होंने कहा, ग्रेट फीलिंग टू मीट द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट लव पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान। देख सकते हो दोनों पुलिस कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं एंड बीच में मेगा स्टार सलमान खान इन हिज टाइगर अवतार। अब कुछ और दृश्य देखते हैं हम। अब गाइज, एक और क्रू है जो साल्ज़बर्ग में नहीं है, क्योंकि साल्ज़बर्ग के बाद अगला जो डेस्टिनेशन है वो वियना ही होने वाला है। हमने जो रेकी एपिसोड है उसमें डिस्कस भी किया था, दूसरा जो क्रू है वो वियना पहुंच चुका है।
ओके सो वियना एंड सैल्सबर्ग ये जगहें रहने वाली है जहां पर टाइगर 3 की जो शूटिंग है वो होने वाली है। एंड कल वियना में एक जगह है जिसका नाम है कुंस्थिस थोरिशियस म्यूजियम वियना, वहां पर भी क्रू घूमते हुए दिखाई दिया। तो ये लोकेशंस है जहां पर ये फिल्म शायद शूट के लिए जा सकती है। ओके एंड दिस इज अनदर पिक ऑफ द पार्टी। अली बुगा एक डांसर है जिन्होंने ये पिक्स जो है पोस्ट किए हैं। सलमान खान इन बिटवीन ऑल द डांसर्स पोजिंग अवे इन स्वैग एट द पार्टी विच वॉज हेल्ड इन नन अदर देन कैपाडोकिया। एंड दिस इज कैटरीना कैफ, कल जो महिला थी जिसके साथ मैंने आपको फोटो दिखाया था, इन महिला का नाम भी ले लेता हूँ, इनका नाम है zenup.ars। इन्होंने कल सलमान भाई की फोटो खिंचाई ऑस्ट्रिया में एयरपोर्ट पे। एंड गाइज यहाँ पर कैटरीना कैफ के साथ भी फोटो खिंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड काया कापी जो होटल थी वहां से चेकआउट करते हुए सलमान खान के एक और बॉडीगार्ड जो है खान शमन, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं विद द स्टाफ ऑफ दिस टीम आज सुबह तक। ओके अब डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस अपना और इंडिया में 3 घंटा 30 मिनट का है। अगर समझो यहाँ पर 10 बज रहा है तो वहां पर ऑलमोस्ट 6:20 हो रहा होगा। एंड कल ऑलमोस्ट 2 बजे तक पूरा का पूरा क्रू जो है ऑस्ट्रिया घूम रहा था। एंड दिस इज अ लव लॉक ब्रिज एट द सलास रिवर। ओके गाइस ये सारी की सारी जगहें हैं, लव लॉक ब्रिज काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेट्स सी विल इट बी अ लोकेशन फॉर द शूट, ये तो जब शूट शुरू होगी कल परसों में तब पता चलेगा हम लोगों को एंड एग्जैक्टली कहां पर ये शूटें हो रही है। जब एग्जैक्ट ऑन लोकेशन एपिसोड आएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस दीज वर द ग्लिम्सेस ऑफ सैल्सबर्ग, ऑफ वियना, ऑफ द लव लॉक ब्रिज। ओके जो ब्रिज है लव लॉक ब्रिज, सारी सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। अब मिलेंगे जब इसका शूट जो है वो शुरू होगा वापस से इन द मैजिकल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ओके गाइस आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सो पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।